भारत सरकार द्वारा 14 जून को अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया था, जिसको लेकर भारत के युवा सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अशांति और उग्र तरीके से प्रदर्शन करना गलत ही नहीं, अपराध भी है। इसी क्रम में देश के कई युवा संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते युवाओं के विरोध को देखते हुए शुरू से ही फिरोजाबाद पुलिस एक्टिव मोड पर है और लगातार फिरोजाबाद पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। जनपद फिरोजाबाद में आईटीबीपी के जवान, जीआरपी के जवान और कई थानों की पुलिस फोर्स को रेलवे स्टेशनों पर तैनात कर दिया गया है और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सीओ, आरपीएफ थाना प्रभारी के साथ जीआरपी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर अराजक तत्वों की पहचान और उनसे पूछताछ कर रही है। ये एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में अभी ये जो अग्निपथ वाली स्कीम आई है, इसमें बच्चों ने विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट किया है। तो आज भी प्लान था कि बच्चे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाएंगे, तो कोई उपद्रव ना करें, कोई रेलवे की संपत्ति को तोड़ फोड़ ना करें। इसलिए आरपीएफ, आरपीएसएफ, यूपी पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों को लगाया। सर, क्या स्थिति है, क्या कुछ शांति स्थिति पूर्ण बनी हुई है? अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं कहीं से भी, विशेषकर आगरा अनुभव में अभी तक कोई शिकायत नहीं।